हेलो शार्क्स, हेलो। मेरा नाम है कल्पित पटेल और मेरे आजू बाजू के लोग मुझे कहते हैं कि मुझ में ना एक कीड़ा है, कीड़ा कुछ बड़ा काम करने का, कीड़ा एक रेवोल्यूशन लाने का। हम सब ने मोबाइल कम्युनिकेशन में एक रेवोल्यूशन देखा है, लैंडलाइन से पर्सनल मोबाइल्स तक का। वैसा ही एक रेवोल्यूशन कंप्यूटर्स में हमने देखा है, डेस्कटॉप से पर्सनल लैपटॉप्स तक का। और वैसा ही एक रेवोल्यूशन हम लेकर के आ रहे हैं इन दी पैसेंजर कार सेगमेंट विद PMV, पर्सनल मोबिलिटी व्हीकल्स। हम सब एवरीडे यूज के लिए जो कार यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं? ऑफिस जाने के लिए, बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, शॉपिंग के लिए। और ये सारे काम करने के लिए हम लेकर के निकलते एक 5 और 7 सीटर SUV, 1500 किलो की गाड़ी और बंदा अंदर बैठा होता है 70 किलो का एक। इसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और इन सारे बड़े प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन हम लेकर के आ रहे हैं बाय द नेम ऑफ इजी, योर एवरीडे कार। सो शार्क्स, क्या आप तैयार है टू गेट अ स्नीक पीक ऑफ द फ्यूचर ऑफ पर्सनल मोबिलिटी? इंट्रोड्यूसिंग टू यू इजी, योर एवरीडे कार। थैंक यू सो मच। विनीता फिट आ जाएगी इसमें, तुम्हारा पता नहीं। सो शार्क्स, इजी योर एवरीडे कार इज इंडियाज फर्स्ट 2-सीटर फुल्ली इलेक्ट्रिक स्मार्ट माइक्रो कार। सो शार्क्स, हमारा विजन है कि जैसे SUV, सेडान और हैचबैक एक कैटेगरी है, उसी तरीके से PMV भी एक कैटेगरी बनकर के आएगी। इसी विजन को पूरा करने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ आज टू रिक्वेस्ट 1 crore rupees इन एक्सचेंज ऑफ 1% इक्विटी इन द कंपनी। सो शार्क्स, क्या आप हमारे साथ आके इजी को हर भारतीय की दूसरी कार बनाना चाहेंगे? हाय कल्पित। उसके बाद मैंने MBA किया और फिर मैंने बैंक में नौकरी की। एवरी डे मैं ऑफिस जाता था, तकरीबन 10 किलोमीटर का डिस्टेंस था और मुझे तकरीबन 45 मिनट से 60 मिनट लगते थे। और मुझे हमेशा लगता था कि ज़्यादातर सारी पर्सनल कार्स होती है उसमें सिंगल और डबल ऑक्यूपेंसी होती है, तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग एक छोटी कार होनी चाहिए, और वो थी नहीं। तो पहले मैंने ऐसे ही सोचा था कि लेट्स सी हम क्या बना सकते हैं। पहले बिजनेस के बारे में नहीं सोचा था। हमने एक प्रोटोटाइप बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, और ये टाइम है कुछ अगस्त 2018 का। एंड दैट इज व्हेन आई वाज ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल इन सितंबर 2018। कांग्रेचुलेशंस। आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, लेकिन मैं जब फर्स्ट टाइम उसे एक डॉक्टर के पास ले जा रहा था तो उस क्लिनिक के हवे पार्किंग नहीं थी, तो मैं उसे एक ऑटो में ले गया। एंड जैसे ही मैं उसे ऑटो में ले गया तो बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन शी स्टार्टेड क्राइंग, बहुत जोर से रोने लगी और कफ करने लगी। और उस दिन मुझे लगा कि हम अपने बच्चों के लिए कितनी मेहनत करते हैं, बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट वेकेशन, बेस्ट टॉयज, बट हाउ अबाउट बेस्ट एयर? तो तभी मैंने डिसाइड किया कि बेटर फ्यूचर फॉर अवर चिल्ड्रन के लिए करना जरूरी है। सो दैट इज व्हेन वी फॉर्मलाइज द कंपनी इन 2018 नवंबर। और तब से हमने और भी 2 प्रोटोटाइप्स बनाए और ये हमारा 6th प्रोटोटाइप है। पर ऐसे कैसे होता है कि आप बैंक में काम करते करते आपको ऑटो में जाते हुए एक आइडिया आ गया और 2 साल में आपने गाड़ी बना दी? मतलब 2 साल नहीं, 6 साल लगे एक्चुअली मुझे ओवरऑल। सो फ्रॉम द कॉन्सेप्ट मुझे जो आया था वो 2016 में आया था। तब से लेकर के मैंने बहुत सारी चीज़ें खुद से सीखी, बहुत सारे गैराजेस विजिट किए, बहुत सारी चीज़ें खोली, गाड़ियाँ खोली, अंदर देखा क्या है। आपका इसमें कोई खुद का R&D, खुद का इनोवेशन, खुद का टेक्नोलॉजी है? लाइक बिगर कंपनीज जो करोड़ों R&D में इन्वेस्ट करते हैं, और इज दिस जस्ट असेंबल्ड फ्रॉम पार्ट्स ऑल ओवर द ग्लोब? करोड़ों का इन्वेस्टमेंट तो तब होगा जब आप हमको इन्वेस्टमेंट देंगे। अरे बॉस, 1 crore से आपका क्या होगा? So, 1 crore जो है actually is a small part of a bigger fundraise that we are looking for. एक गाड़ी कैसे बना दी यार आपने? कोई टीम में होगा, कोई co-founder होगा, R&D होगा, main किसने बनाया ये design? Sir, it has been multiple people across the last 5 years, and we also take help from outside vendors जो typically बाकी OEMs भी करते हैं, तो उन सब का help ले करके टीम जो हमारी छोटी सी है उसके साथ में मिलकर के हमने काम किया है। ये design आप
आपकी टीम का है या आपके वेंडर्स का है? नहीं, डिजाइन हमारा है सर। और आपकी टीम में सेकंड कोर टीम मेंबर कौन है आपके अलावा? नामदेव करके है उनका नाम, नामदेव झाड़कर जी, जिनके पास तकरीबन 25 साल का एक्सपीरियंस है इन व्हीकल बिल्डिंग। और इसकी सर्टिफिकेशन आपने करा ली है सारी? नहीं, सर्टिफिकेशन जो है वो बाकी है, इसका इंजीनियरिंग का काम अभी चल रहा है, प्रोडक्शन के लिए जो सर्टिफिकेशन है वो पहले हमको लाना पड़ेगा। भाई दाद देनी पड़ेगी, काफी बोल्ड काम है। आप ये बताइए इसमें फीचर्स क्या क्या है जो कॉम्पेरेबल है और जो डिफरेंशिएटेड है? ऐप से चलती है गाड़ी? यस। See the lights. So, जैसे for example, आपने अपनी गाड़ी पार्क करी और आगे अंधेरा है, तो maybe you can just switch on the headlights from your app. Oh, nice. और ये tech आपने बनाया है या ये yes, आपने? ये सारा हमारा खुद का बनाया हुआ है। Nice. इसका software? Software सब कुछ हमने लिखा हुआ। और IoT? सब कुछ, everything. Okay, very good. Very cute. समझिए, आपने अपनी गाड़ी को किसी पार्किंग लॉट में पार्क किया है, आपको याद नहीं है कि गाड़ी आपने कहाँ पर पार्क करी है, तो आप रिमोटली इसका हॉर्न बजा सकते हो। काफी कूल है, क्यूट है। इन केस आपने गाड़ी पार्क करी है और लेफ्ट में कोई बहुत टाइट पार्किंग करके चला गया, राइट में भी कोई बहुत टाइट पार्किंग करके चला गया, तो आप अपनी गाड़ी को बाहर से ही कंट्रोल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा फीचर है। मैं आके बैठ जाऊं इसमें? आ जाओ अनुभव। कोई इनकी फोटो लो गोदी में जो बैठे हैं। अमर प्रेम। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये हमारा इंफोटेनमेंट सिस्टम है। जब कभी भी आप हॉर्न मारोगे तो यहाँ पर एक काउंटर आता है। नॉर्मली क्या होता है कि कोई ड्राइव कर रहा होता है तो उसे लगता है कि हॉर्न तो मारा, उसमें क्या हो गया, बट यहाँ पर जब आपको नंबर बताएगा ना कि आपने कितने हॉर्न मारे, तो आप थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाओगे कि आप हॉर्न ज्यादा नहीं मारो। और अभी हम बोले बहुत, बस 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 बस। पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि तो काफी चीजें अच्छी हैं। थैंक यू। माना नया कॉन्सेप्ट है, इसलिए थोड़े से क्यूरियस हैं हम लोग, पर एक आपने वो हॉर्न के लिए हार्ट का फीचर लगाया है, आई थिंक ये बहुत अच्छा इनोवेटिव फीचर है। मुझे लगता है रेगुलर कार्स में भी होना चाहिए ताकि थोड़ा सा हॉन्किंग कम हो। दूसरा, पीछे की सीट पे आपने काफी जगह दी है, काफी रेवोल्यूशनरी भी लग रहा है। आप फोन से गाड़ी आगे पीछे कर रहे हो और अंदर भी देखा, थोड़ा आपने इनोवेशन किया है। आपने एक चीज बोली थी कि ये मैं बनाना चाहता हूँ सबके लिए दूसरी कार। करेक्ट। दूसरी क्यों, ये तो पहली भी हो सकती है। एक टिपिकल जो इंडियन हाउस होल्ड है उसमें कार जो होती है वो फैमिली ओरिएंटेड चीज होती है, तो जब कभी भी वो गाड़ी खरीदेगा फर्स्ट कार में वो 4 सीटर और 5 सीटर की उसको एक्सपेक्टेशन होगी, तो ये जो है वो 2 सीटर। अगर वो उसने एक इससे बड़ी गाड़ी खरीद ली तो वो वापस जाके छोटी गाड़ी में खरीदेगा, क्यों? जस्ट एक एग्जाम्पल, आई मीन शेविंग के लिए हम एक्स नहीं यूज करते, हम ब्लेड यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि इट इज फॉर द राइट पर्पस। तो उसी तरीके से अगर आपको 15 किलोमीटर ही ट्रैवल करना है और आप पूरे दिन में अकेले ही ट्रैवल करने वाले हो, तो उस केस में आपको 5 सीटर SUV ले जाकर के ट्रैफिक में फंसना डजंट मेक सेंस। कल्पित, एक क्वेश्चन है कि आपने सुना है कि ईवी में क्वाड्रीसाइकिल का कॉन्सेप्ट आ रहा है? ये क्वाड्रीसाइकिल ही है। यू शुड हैव मेंशन दैट एंड आई एम टेलिंग यू व्हाई। विनीताज़ फर्स्ट वर्ड वाज क्यूट। राइट। आपने सुना है ना QUTE नाम की एक बहुत पॉपुलर क्वाड्रीसाइकिल है, तो क्वाड्रीसाइकिल और कार में क्या फर्क है, उनके रेगुलेशंस में क्या फर्क है? अभी क्यूट इज गेटिंग लॉन्च इन इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर्म, उसमें और आप में क्या फर्क है? सो टिपिकली कोई भी गाड़ी जब रास्ते पर उतरती है तो उसका एक टाइप अप्रूवल होता है। क्वाड्रीसाइकिल इज L7 टेक्निकली, और जो रेगुलर कार्स होती है वो M1 कैटेगरी कहलाती है। M1 कैटेगरी में स्पीड का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, जबकि L7 कैटेगरी में स्पीड रिस्ट्रिक्शन होता है, अबाउट 70 km/h की उसकी टॉप स्पीड होती है। उसमें वेट रिस्ट्रिक्शन होता है कि 450 kg से ज्यादा जा नहीं सकते, प्लस द बैटरी पैक का वेट, एंड उसमें पावर का भी एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि 15 kW से हम ज्यादा नहीं जा सकते। क्यूट को भी अगर आप स्टडी करेंगे तो यू विल रियलाइज दैट इट्स वेरी क्लॉस्ट्रोफोबिक, इसमें आपको वैसा फील नहीं होगा।
प्राइस कितना है इसका? इसका स्टार्टिंग प्राइस जो होगा वो तकरीबन 4 लाख से शुरू होगा। यार क्या क्या बात कर रहे हो? 4 लाख? 4 लाख? जीसस क्राइस्ट। मेरे पास 4 लाख रुपए हूँ, मैं ये क्यों खरीदूं? ये सर आठाने में चलेगी, 50 पैसा पर किलोमीटर। कोई भी इलेक्ट्रिक कार इतने में ही चलेगी ना? स्लाइटली हायर, सो बिगर साइज कार जो है वो 1 रुपए में चलेगी, बट द डिफरेंस इज नॉट मच। सेफ्टी वाइज तो ये कॉम्प्रोमाइज लग रही है मुझे, बहुत छोटी सी पतली सी, इसमें तो सेफ्टी कम लग रही है मेरे को नॉर्मल कार से। हाउ मेनी एयरबैग, सीधा ये बता दीजिए। एडिशनल कॉस्ट पर हम लगा सकते हैं। वो 5 लाख की हो जाएगी गाड़ी? हाँ। वो ज्यादा हो जाएगा। और 6 की हो जाएगी। आपने अंदाजा लगाया है कि आपका मार्केट साइज क्या है माइक्रो कार्स को लेकर? आज तो 0 है। अभी तक हमने इसका प्रमोशनल एक्टिविटीज कुछ किया नहीं है। वी हैव स्पेंट लिटिल ओवर मे बी 1.5 लाख रुपीस, एंड हमको ऑलरेडी 1000 प्री ऑर्डर जैसा है, जिसका ऑर्डर बुक साइज वैल्यू समवेयर अराउंड 50 करोड़ होता है। ऑलरेडी हमारे पास 25,000 के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है। अब ऑब्वियसली सारे के सारे कन्वर्ट नहीं होंगे। इवन बिफोर वी गो इन टू प्रोडक्शन विच इज समवेयर अराउंड अप्रैल ऑफ नेक्स्ट ईयर, उसके पहले हमारे पास 10,000 पेड प्री ऑर्डर होंगे। इसकी ऑर्डर बुक साइज होगी समवेयर अराउंड 500 करोड़। कल्पित, मेरा मानना यह है कि यहाँ पे आपको डेफिनेटली एक परसेप्शन का चैलेंज होगा। लोग इंडिया में कार और परसेप्शन को बहुत क्लोजली लिंक करते हैं, तो मुझे नहीं लगता दिस स्पेसिफिक डिजाइन एंड मॉडल हैज द पोटेंशियल टू बिकम बहुत बड़ा। पर आप इस जर्नी पे अगर आइटरेट करते रहें तो आई थिंक यू विल बी एबल टू क्रैक समथिंग दैट डज। बेस्ट ऑफ लक टू यू, आई एम आउट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच। थैंक यू कल्पित, मुझे ये नहीं लगता ये बिकेगी, ना ये गाड़ी है ना ये बाइक है, 4 लाख रुपए की है। मुझे लगता है कहीं पे प्रॉब्लम है। अब वो नहीं पता मुझे कहाँ प्रॉब्लम है। एज अ कंज्यूमर मुझे ये प्रोडक्ट ही नहीं समझ आ रहा, तो मैं बिजनेस में और घुसना ही नहीं चाहता। फॉर दैट रीजन आई एम आउट। थैंक यू सो मच। सो आई थिंक आप बहुत अर्ली है इसमें, एंड आई वुड अगेन बेट ऑन द लेगेसी कंपनीज जिनकी बैलेंस शीट्स और R&D बहुत आगे हैं। एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट विश यू द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम। कल्पित, आपकी एज क्या है? 35 ईयर्स। इतना खर्चा किया इसके ऊपर, कितने पैसे लगे हैं आपके इसमें? सर तकरीबन एक्चुअल कैश वुड बी समवेयर अराउंड 50 ऑड लैक्स। खुद के लगे हुए हैं? खुद के लगे हुए हैं, एंड वी हैव रेज्ड सम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम सम इन्वेस्टर्स आल्सो। कितना पैसा रेज किया? ओवरऑल वी हैव रेज्ड अबाउट 53 लाख फ्रॉम फ्यू इन्वेस्टर्स। पहला हमने रेज किया था अक्टूबर नवंबर 2020 में, तभी हमने 10 करोड़ के वैल्यूएशन कैप पर फंड्स लिए थे, 19 लाख। सेकेंड टाइम हमने जून लास्ट ईयर में रेज किए थे अबाउट 34 लाख एट अ वैल्यूएशन कैप ऑफ 15 करोड़। फिर यार 1 करोड़ में आपने यहाँ तक पहुँच गए हो खाली 1 करोड़ रुपए लगा के। टाइम जो है वो ज़्यादा लग गया ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे पास बैकग्राउंड नहीं था, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ी, बैटरी के रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड, व्हीकल डिज़ाइन के रिलेटेड, कौन से लाइन्स बेटर लगते हैं कौन से नहीं लगते हैं। सो मैं आपको खाली एक चीज़ बता दूँ दैट ये जो है वो हमारा 4th आइट्रेशन है, इसके पहले हमने 3 और आइट्रेशन डिज़ाइन किए हैं। 1 करोड़ में आपने 5 आइट्रेशन निकाल दी। गाड़ी नहीं बनाई थी हमने, डिजाइंस किए थे, विच इज ऑन स्केचिंग काइंड ऑफ अ थिंग। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इतने पैसे में यहाँ तक पहुँचना यार कुछ भी नहीं है, मतलब कमाल है। आपकी हिम्मत और दृढ़ता की तो शाबाशी देनी पड़ेगी कि यहाँ तक आप पहुँच गए। और अभी कितना पैसा आपने कहा एक राउंड हो रहा है, तभी आप 100 करोड़ का वैल्यूएशन लेके आए। ओवरऑल वी आर लुकिंग टू रेज अबाउट 10 CR। और कितना कमिट हो गए उसमें से? हमको 2 करोड़ का एक वर्बल कमिटमेंट मिला है। चलो मैंने डिसीजन बना लिया, क्योंकि ये इतना बड़ा काम है, इसमें आपको इन्वेस्टर्स भी थोड़े ऐसे ही लाने चाहिए जिसको इस एरिया का नॉलेज हो। अनफॉर्चुनेटली मैं वो नॉलेज नहीं ला पाऊंगा इस एरिया में, तो इसलिए मैं आज बाहर हूँ। बट आप जो कर रहे हैं इसको कंटिन्यू करिए, एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। देखिए, आई रियली एंजॉयड योर जर्नी। आप यहाँ तक कैसे पहुँच गए मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मैं आप पे एक बेट लेना चाहता हूँ, और इसलिए मैं आपको एक ऑफर करता हूँ। ये सिर्फ आपके ऊपर बेट है, ये गाड़ी के ऊपर तो मैं कभी पैसे नहीं लगाऊं। तो मैं आपको जो ऑफर करूंगा वो आपके लास्ट राउंड ऑफ वैल्यूएशन पे होगा। सो आई विल गिव यू 60 लाख।
एट द सेम वैल्यूएशन और मैं आपको 40 लाख रुपए लोन दूंगा एट एन इंटरेस्ट रेट दैट वी कैन डिटरमिन. और एक कंडीशन है, आपने कहा है बाय द एंड ऑफ द ईयर यू विल हैव अ 500 करोड़ रुपी ऑर्डर बुक. उसके बहुत पहले हमारी डील हो जाएगी. लेकिन मैं वो ट्रैक्शन देखना चाहता हूँ कि आप वहां तक पहुंच रहे हो. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग आउट एन ऑफर. मैं इसके बारे में एक दो मिनट जरा सोच के आऊं. हाँ, जरूर. I think he's on a journey which can become big. What he's not understanding is ki aspirational hona bahut zaruri hai kar ke. I think wo next model aap usko banao jo aspirational dikhe. Kalpit ji, welcome back. Yes, thank you. क्या लगता है मित्तल जी का ऑफर पसंद आया कि नहीं? सर मित्तल जी तो काफी पसंद है लेकिन ऑफर में थोड़ा सा आप बढ़ा सके तो मेरे लिए काफी हेल्प हो जाएगी. मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम आप 50 करोड़ के वैल्यूएशन को करिए एंड डेट ना दीजिए क्योंकि मैं अभी करंटली डेट सर्विस कर नहीं पाऊंगा. तो आप प्लीज 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट विद 50 करोड़ वैल्यूएशन कंसिडर करिए. आपका काउंटर है 1 करोड़ फॉर 2% इक्विटी. 2% इक्विटी. इनका ऑफर था 60 लाख फॉर 4% इक्विटी प्लस 40 लाख डेट. करेक्ट. ठीक है कल्पित, मैंने पहले भी कहा मैं आपके प्रोटोटाइप पे ऑफर नहीं कर रहा. ये प्रोटोटाइप मुझे नहीं पसंद. आई लाइक यू और मुझे आप पे पैसे लगाने. आपने जो क्षमता आपने पैदा की है पिछले कुछ सालों में, मुझे लगता है आगे चल के आप कुछ बड़ा करें. तो मैं एक काम कर सकता हूँ, आपने जो कहा डेट हटा दीजिए वो मैं कर दूंगा, आपको 1 करोड़ इक्विटी दे दूंगा. लेकिन मैं पिछले वैल्यूएशन से ज्यादा नहीं बढ़ पाऊंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इतनी तरक्की हो गई है पिछले राउंड से कि आप उसका 4 गुना या 2 गुना वैल्यूएशन भी मैं आपको दे सकूं. तो आपके पास काउंटर ऑफर है अनुपम का 1 करोड़ फॉर 6.67%. डील या नो डील, आपने यही जवाब देना है बस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीबडी एंड थैंक यू सो मच सर फॉर योर ऑफर. लेकिन इस ऑफर को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हमें लगता है हमने बहुत मेहनत की है और उसके लिए अगर कुछ वैल्यू नहीं मिल रही है तो फिर वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होगा. सो आई एम सॉरी बट मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता. कोई बात नहीं कल्पित, अच्छा लगा आप यहाँ तक आए और हमारी ऑफर सुनी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ऑल द बेस्ट कल्पित. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.